चलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग नथिंग फोन 2 की, और स्मार्टफोन को MWC 2024 के अंदर नथिंग की तरफ से टीज किया गया था। एंड इंडिया में भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और मेरे पास भी आ चुका है, लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड ऑलरेडी अनबॉक्सड है बिकॉज ऑफ मैनी सेफ्टी रीजन ऑफ फ्लिपकार्ट। उसके साथ मैं इस स्मार्टफोन को लगभग 2 से 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। फॉर दैट रीजन मुझे इसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी पता चली, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कंक्लूजन सेक्शन के अंदर। तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो पहले खोल लेते हैं इसको। नेक्स्ट ऊपर ही हमको हमारा फोन देखने को मिल जाता है। एक सेकंड, नथिंग फोन 2 है, रखते इसको साइड पे। उसके साथ यहाँ पर आपको नीचे सिर्फ एक USB C2C केबल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको नथिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। नीचे आपको बुकलेट्स वगैरह देखने को मिलता है, जो कि बहुत छोटा सा है, और आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो रखते हैं सब कुछ साइड में, फिर देखते हैं फोन की तरफ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस फोन को आप जब भी अपने हाथों में लोगे ना, तो आपको एक प्रीमियमनेस डेफिनेटली फील होगा। पहले ही पीछे जो है प्लास्टिक बैक आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक प्रीमियमनेस फील जरूर होगा। उसके साथ इसका जो फ्रेम है, उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज किया गया है। बाकी अगर आप ट्रांसपेरेंट बैक की तरफ देखो, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक क्रेजी लुक देखने को मिलता है, और कैमरा के अराउंडिंग्स आपको जो है ग्लिप इंटरफेस एंड NFC कॉइल भी देखने को मिलता है, एंड फोन आपको जो है पीछे से बहुत ज्यादा एक प्यारा लुक प्रोवाइड करता है। तो अभी हम बढ़ते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आपको ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है, ऊपर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है, एंड नीचे आपको USB टाइप सी स्पीकर ग्रिल माइक्रोफोन एंड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। सिम कार्ड स्लॉट के अंदर आपको डुअल नैनो सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है, एंड इसके अंदर कोई eSIM का सपोर्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, इस फोन को यूज करते हुए मुझे लगभग 2 से 3 दिन हो चुका है, एंड जितना ज्यादा टाइम मैं इस फोन के साथ स्पेंड कर रहा हूँ ना, आई जस्ट लव इट्स डिस्प्ले, बिकॉज इसके अंदर आपको 6.7 इंचेस फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड 10B डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, एंड इसके डिस्प्ले के अंदर आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है। बिकॉज आप अगर आप फोन को यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली फोन जो है 30Hz से लेकर 120Hz तक एडेप्टिवली स्विच होता रहेगा। बाकी अगर हम ब्राइटनेस की बात करें, तो इसके अंदर आपको 1300 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, एंड 1000 nits आउटडोर ब्राइटनेस मिलता है, एंड ये डिस्प्ले जो है HDR सपोर्ट के साथ आता है। फॉर दैट रीजन इसके अंदर जब कभी आप कोई भी शो या फिर फिल्म या फिर वेब सीरीज कुछ भी देखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा कैची कलर आपको दिखाया गया स्मार्टफोन, बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले तो है। उसके साथ इसके अंदर आपको 10-bit डिस्प्ले मिलता है, कि अप्रॉक्स 1 billion कलर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको जो है स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे कि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हांस्ड होता है। उसके साथ इसके अंदर आपको 2160Hz PWM डिमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की या फिर इसके चिपसेट की। तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4nm फैब्रिकेशन के ऊपर आता है। फॉर दैट रीजन इसके अंदर आपको बैटरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा क्रेजी मिलेगी, एंड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ा मिलेगा। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे बेंचमार्क रन किए इस फोन के ऊपर, जिससे कि हमको पता चलता है फोन कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो एंटूतु का जो स्कोर निकल गया इस फोन के अंदर 650,000 प्लस, जब हमने 3D Mark टाइम स्पाई चेक किया, तो उसके अंदर 4116 का जो है स्कोर निकल का है, एंड एवरेज जो है पेस था 24.65। और अगर हम गीकबेंच की बात करें, तो सिंगल कोर के अंदर आपको 1080 का स्कोर मिलता है, एंड मल्टी कोर के अंदर आपको 2428 का स्कोर मिलता है। अगर हम इस फोन के अंदर गेमिंग की बात करें, तो इसके अंदर हमने BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट किया है। BGMI आप 60fps के अंदर प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर आप HDR सेटिंग्स के अंदर शिफ्ट करते हो, तो आपको उसके अंदर 40 fps देखने को मिलता है। एंड अगर हम कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें, तो अप्रॉक्स आपको 60fps नॉर्मल देखने को मिलता है, और इसके अंदर आप अल्ट्रा तक जा सकते हो, जिसके अंदर आपको 90fps मिलता है। और जब मैंने इस फोन के ऊपर 40-45 मिनट्स तक गेमिंग की कंटिन्यूअसली, तो मुझे इसके अंदर कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। जितना एक फोन नॉर्मली हीट होता है, उतना ही हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मेजर हीटिंग इशू इस फोन के अंदर मुझे नहीं मिला। एंड लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करने के लिए इसके अंदर आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलता है, जिसको आप 45W के फास्ट चार्जिंग से जो है चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर हम कैमराज की बात करें, तो कैमराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नथिंग ने इसके कैमराज को बहुत अच्छे से टीज किया है। तो रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फर्स्ट जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50MP का सैमसंग का GN9 सेंसर, जिसका अपर्चर है f1.88, और ये कैमरा OIS के साथ आता है। सेकंड जो आपको कैमरा मिलता है 50MP का अल्ट्रा वाइड, वो भी आता है सैमसंग की तरफ से JN1 सेंसर, जिसके अंदर आपको f2.2 का अपर्चर मिलता है। फ्रंट में आपको 32MP का सेंसर मिलता है, जो कि आता है सोनी की तरफ से
IMX615 एंड इसका अपर्चर है f2.0। बाकी अगर हम फोटो एंड वीडियोग्राफी की बात करें तो हमने इसके फोन को यूज करके बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस क्लिक किए जो अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे एंड बहुत ही ज्यादा क्रेजी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ, टाइम टू टाइम नथिंग जो इसके अंदर अपडेट पुश करता रहेगा तो कैमरा या फिर पिक्चर क्वालिटी और भी ज्यादा इनहेंस्ड हो सकता है। अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो इस फोन के साथ आप 4K 30fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन इसका वाइड एंगल लेंस भी 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड सपोर्ट करता है। फ्रंट में आपको 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर रियर के अंदर आपको 4K 60fps मिलता तो बहुत ज़्यादा एक क्रेजी चीज़ होता, बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर मुझे लगता है 4K 60fps कंपलसरी हो जाना चाहिए। अगर हम कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि स्लो मोशन जिसमें आप 1080p 120fps के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, पैनोरामा मिल जाता है आपको, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, एक्सपर्ट मोड मिल जाता है, इवन टाइम लैप्स का भी आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अभी हम बात करते हैं स्मार्टफोन के OS एंड अपडेट्स के बारे में। तो ये फोन जो है नथिंग OS 2.5 के साथ आता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 3 मेजर OS अपडेट्स देखने को मिलेगा एंड 4 इयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट भी प्रोवाइड करेगा नथिंग, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत कम ब्रांड्स है ना प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर हम इसके कस्टमाइजेशन की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलता है, चाहे वो आइकन्स हो, विजेट्स हो, आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसका जो OS है ना, अगर आप देखो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगेन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इतना ज़्यादा स्मूथनेस मुझे दूसरे फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिला। बाकी अगर हम कुछ नथिंग स्पेशल की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लिप लाइटिंग देखने को मिलता है जो कि हर एक नथिंग फोन के अंदर आता है एंड ये जो एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है आपके फोन को। बाकी इस ग्लिप लाइटिंग को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, फिर यूज़ कर सकते हो। आप रिंगटोन के अंदर आपको 10 pieces ऑलरेडी मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। आप इसके अंदर वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, टाइमर, काउंटडाउन, चार्जिंग स्टेटस देख सकते हो एंड एज ए जो है फिल लाइट यूज कर सकते हो जब लो लाइट के अंदर आप अपने कैमरास को यूज कर रहे हो। तो फाइनली अब आते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, 13 5G एंटेना बैंड्स, IP54 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपको VoNR का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है एंड Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी अगर हम रैम एंड रोम टाइप की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर आपको UFS 3 का सपोर्ट मिलता तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर, फिर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर UFS 3.0 तो मैंडेटरी हो ही जाता है। तो अब फाइनली हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। दैट फर्स्ट हम इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्स के बारे में बात करेंगे। देखो 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन जो आपको फीचर ऑफर करते हैं डेफिनेटली क्रेजी चीज़ है। इमर्सिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, IP54 प्रोटेक्शन मिलता है, डायमंड सिटी 7200 प्रो चिपसेट मिलता है एंड गेमिंग तो बहुत अच्छे से फोन करवा देता है। उसके साथ ये फोन जो है एक यूनिक लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। तो इस फोन के अंदर मुझे 2 से 3 कॉन ही देखने को मिला। फर्स्ट जो है इसके कैमरास के अंदर आप 4K 60fps जो है इसके कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप देखो 25,000 to 30,000 फोन के अंदर आप उसके अंदर 4K 60fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड सेकंड जो मुझे कौन फील हुआ, इसके बैक के अंदर अगर प्लास्टिक की जगह ग्लास होता ना, या फिर इसके फ्रेम प्लास्टिक की जगह मेटल का होता तो एक और भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था आपको स्मार्टफोन। लेकिन ऐसा नहीं कि फोन आपको अभी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, अंडर 25,000 अभी भी ये स्मार्टफोन जो है आपको क्रेजी वैल्यू ऑफर करता है। सो बस गाइस यहीं तक था वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। बाकी मैं मिलूंगा किसी आपसे एक नए वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।